अपॉर्चुनिटी है एंड आपके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आप बेसिक चीजें सीख सकते हैं रनिंग के बारे में। आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा एंड जैसे हमने वार्म अप्स किया, आज हम 800 और 1500 मीटर के बारे में बात करेंगे। ये एक बेसिक स्केड्यूल है बट होपफुली इट विल हेल्प यू, सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। अब 800 और 1500 मीटर मिडिल डिस्टेंस रनिंग के अंदर क्लासिफाई करता है। हमने इन दोनों को क्लब कर दिया है। इसका ये मतलब है जब ये आप इस प्रोग्राम के अंदर घुसे, आपके पास दो चीजें होंगी, एक होगा ऑफ सीजन ट्रेनिंग और एक होगा इन सीजन ट्रेनिंग। ऑफ सीजन ट्रेनिंग का ये मतलब है जहां पे आपको स्ट्रेंथ वर्क करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ वर्क का ये मतलब है वॉल्यूम, मतलब कि आपकी जो इंड्योरेंस लेवल है, आपका जो स्ट्रेंथ लेवल है, उसकी कैपेसिटी बढ़नी पड़ेगी। और इन सीजन ट्रेनिंग में क्या होता है, जहां पे आपको फास्टर वर्क करना पड़ता है, क्विकर वर्क करना पड़ता है, ताकि आपकी जो रेस का जो इवेंट है और जो दिन है जिस दिन आपको परफॉर्मेंस देनी है, उस दिन आप तेज दौड़ पाए और जो आपने पूरा ऑफ सीजन में काम किया हो उसका भरपूर फायदा आप उठा पाए। सो लेट्स गेट इनटू ऑफ सीजन ट्रेनिंग। इसका मैं आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने काफी डिटेल्स दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, बट एक गाइडलाइन है एक वीकली स्केड्यूल का। तो सबसे पहले ये याद रहे, जहां पे टेम्पो रन्स, एक हफ्ते में दो टेम्पो रन बहुत जरूरी है, जहां पे आप एक ऐसे पेस पे दौड़े ना कि बहुत तेज हो ना कि बहुत धीरे हो। आप ये 20 मिनट कर सकते हैं, 25 मिनट कर सकते हैं, 5 या 7 किलोमीटर के बीच में रहे तो ये रेंज अच्छा रहेगा। और ये पेस अगर आप 4 मिनट किलोमीटर की पेस रखे या 3:40 की किलोमीटर की पेस रखे, ये टोटली आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितने पेस में दौड़ते हैं, आपकी इवेंट की आपका पर्सनल बेस्ट क्या है, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बट एज अ रूल ऑफ थंब ये ज़्यादा तेज भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा धीरे भी नहीं होना चाहिए। इसके कैपेसिटी के बाद आपको मतलब कि तकरीबन 75-80% पे एफर्ट मार के आपकी रनिंग खत्म हो जानी चाहिए, जहां पे आपको एक मॉडरेट टू हार्ड एफर्ट मिलेगा। बहुत जरूरी है कि आपको हफ्ते में दो बार स्ट्रेंथ वर्क करना है। स्ट्रेंथ वर्क का ये मतलब है जहां पे आप बैंड यूज करें। मैं बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूं बैंड एक्सरसाइजेस का, इसके ऊपर हम एक अलग से एपिसोड करेंगे, मगर बैंड वर्क एक ऐसी चीज है जहां पे आपके ग्लूट्स और आपकी पूरी बॉडी एक ऐसी फंक्शनैलिटी पे पहुंचेगी जहां पे आप अपने आप को और बेहतर दौड़ पाएंगे और तेज दौड़ पाएंगे और इंजरी फ्री रहेंगे। आप लाइट वेट्स भी कर सकते हैं, अगर आप 16 या 17 साल के हैं, जहां पे आप कोई हैवी वेट ज्यादा मत उठाइए, मगर एक फंक्शनल ट्रेनिंग के लिए, एक बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बॉक्स वर्क कर सकते हैं, आप जंप्स कर सकते हैं, थोड़े प्लायोमेट्रिक्स कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम यू कैन डू सम लाइट स्क्वाट्स, यू कैन मूव अराउंड अ लिटिल बिट, लैटरल वॉक्स कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, डक वॉक्स कर सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप ट्यूसडे को वर्कआउट देखेंगे जो मैंने आपके लिए डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये आपका इंटरवल वर्क है जहां पे आप 8 से 10 से 12 रेपिटेशन 200 मीटर के कर सकते हैं, 400 मीटर के रेपिटेशन कर सकते हैं, या ऑल्टरनेटिवली आप हिल वर्क कर सकते हैं इस दिन। ये एक आपका टारगेट सेशन रहेगा, बहुत जरूरी सेशन होगा जहां पे आपको रिकवरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप एक्टिव रखेंगे। तो ये बहुत जरूरी सेशन है आपके लिए। हफ्ते में एक बार आपका डिस्टेंस रन होना चाहिए जहां पे आप फोकस करें कि आप अपना वॉल्यूम और एंड्योरेंस बढ़ाएं, 15 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं आप। और एक और बहुत जरूरी है आपके लिए, ये फाटलिक रन बहुत जरूरी है, जहां पे आप 30 सेकेंड्स ऑन 30 सेकेंड्स ऑफ, 1 मिनट ऑन 30 सेकेंड्स ऑफ, इस रिदम में 6 रेपिटेशन 8 रेपिटेशन या जो आपके कोच आपको समझाए या अगर आप खुद ट्रेन कर रहे हैं, रेंज रखे तकरीबन 8 से 10 रेपिटेशन का और एक हार्ड एफर्ट जाए आपका। आपके लिए बहुत ज़रूरी है सर्किट ट्रेनिंग भी। मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि आपकी पूरी बॉडी की जो फंक्शनैलिटी है, कंडीशनिंग है, बहुत ज़रूरी है। और 800-1500 मीटर के लिए जैसे सेबेस्टियन को एक एथलीट होते थे, वो बड़े प्रोपोनेंट थे सर्किट ट्रेनिंग के लिए। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स सर्किट ट्रेनिंग ज़्यादा प्रोग्राम में रहता नहीं है एथलीट्स के, मगर ईच टू हिज ओन। मैं काफ़ी बिलीव करता हूँ, तो मैं आपको अर्ज करूँगा कि आप अपर बॉडी स्ट्रेंथ वर्क, आप क्विक वर्क, प्लायोमेट्रिक्स वर्क, स्ट्रेंथ वर्क, सब कुछ मिला के एक स्टेशन वर्क कर सकते हैं जहां पे आप सारे सर्किट्स में अपनी कंडीशनिंग कर सकते हैं। ये हफ्ते में एक बार जरूर कीजिए। और एक बहुत जरूरी सेशन है आपके ऑफ सीजन ट्रेनिंग के लिए, वो ये है कि आप 1000 मीटर्स, 800 मीटर्स, माइल वर्क, 400 मीटर के रेपिटेशंस, ये इंटरवल वर्क भी जैसे सैटरडे को मैंने डाला हुआ है, एक दिन है आपके लिए हफ्ते में, आप जरूर करें। और ये बहुत जरूरी है कि आपका जो रिकवरी रहे वो ज्यादा लंबा ना रहे, तो आपकी पेस ज्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए मगर एक कंसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग पेस पे होनी चाहिए और रेपिटेशन ज्यादा होनी चाहिए ताकि आपका स्ट्रेंथ बिल्ड हो, ताकि आप ये अपना स्ट्रेंथ इन सीजन यूज कर पाए।
ऑल्सो इन सीजन ये याद रहे कि आपका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो आप 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर के ऊपर ज़्यादा ना जाए तो बेहतर रहेगा 800 मीटर और 1500 मीटर रनर्स के लिए। तो आप जब ये 80 और 100 किलोमीटर के हफ्ते कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आप रिकवरी भी लें। तो जैसे आप देखेंगे जो मैंने आपके लिए स्केड्यूल बनाया हुआ है उसमें इजी रनिंग भी है। तो इजी रनिंग क्या करता है कि आपने जो मेहनत की हुई अपने स्ट्रॉन्ग हार्ट सेशंस में, उसमें आपकी रिकवरी भी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लगे कि नहीं मैं बहुत फिट फील कर रहा हूँ तो मैं आज इजी रनिंग 30 सेकंड पर किलोमीटर तेज़ कर लूँगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप बाई फील जाइए, रिलैक्स करके पेस पर रखिए ताकि आप एकदम इंजरी फ्री भी रहे, और संडे को ज़रूर रेस्ट कीजिए। नाउ गेटिंग ऑन टू इन सीजन ट्रेनिंग। In season training is very, very similar to what I've just said. Please look into the description box so you'll get all the details of it. The only change here you'll see is that कि आप जब 80 से 100 किलोमीटर कर रहे थे उससे तकरीबन 10-20% जो आपके रेंज में रहे आपका माइलेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, जहां पे आप थोड़ा सा और क्वालिटी वर्क करेंगे, शॉर्टर, क्रिस्पर एंड फास्टर सेशंस। तो मतलब कि जहां पे आप 10 रेपिटेशन कर रहे थे 200 मीटर के या 12 रेपिटेशन कर रहे थे, इधर आप 6 रेपिटेशन करें, 8 रेपिटेशन करें, मे बी नॉट अ 2 मिनट रेस्ट, मे बी अ 3 मिनट रेस्ट एंड क्विकर पेस, ताकि आपके फीट और तेज जाए। And once your feet get quicker, then you'll run a race which is faster. Also, in the season, you want to cut out on a lot of volume in terms of distance running. तो आप क्या कर सकते हैं उस दिन, आप एक और repetition work डाल सकते हैं, आप accelerations कर सकते हैं, मतलब कि 6 into 100 meters, 8 into 100 meters, अगर आप एक football field में diagonals करें, अगर आप up down running करें जहाँ पे आप stride work करें, तो आपका leg turnover improve होगा और ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। मगर short tempos, short distance runs, these are very important, that कि आप जहाँ पे tempo 5 से 7 kilometers कर रहे थे आप tempo run फिर भी जारी रखें, तो आप ये छोड़े ना, ताकि आपकी इंड्योरेंस लेवल्स भी रहे और आप स्ट्रॉन्ग रहे। आप अपना कोर वर्क करें, मेक श्योर कि द होल प्रोसेस ऑफ सीजन, ऑफ सीजन एंड इन सीजन ट्रेनिंग ऑल्सो इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ कोर वर्क। वी माइट डू अ फ्यूचर एपिसोड ऑन कोर सेपरेटली, बट व्हाट आई वुड रेकमेंड इज दैट यू कीप योर कोर अप, यू मेक श्योर यू कीप योर